नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ईद के दिन 5 मस्जिदों के पेश इमाम ऊपर दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित समस्त स्थानों में एक साथ धरना शुरू किया गया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू का कहना है कि यदि त्यौहार के दिन पेशी इमामों पर मामला दर्ज किया जा सकता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए धरने और कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान सबके लिए एक है तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बीते दिवस शहर काजी सहित कई मुस्लिम समाज के जानकारों ने पुलिस अधीक्षक सहित सिटी कोतवाली थाने में मामला वापस लेने के लिए आवेदन दिया था कि जिसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह कहा गया है कि मामले की जांच कराकर जल्द से जल्द इसका निराकरण कर दिया जाएगा। अभी जांच शुरू भी नहीं हुई थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित समस्त स्थानों में मात्र 5-5 लोग ही धरने में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि धरना प्रदर्शन 11 बजे से 1:30 बजे तक के चलता है। छत के सामने आरक्षकों द्वारा लात मारी जाती है, व्यापारियों को थाने में बंद कर दिया जाता है और उनसे वसूली की जाती है और FIR दर्ज की जाती है। एक चंद्रशेखर तिवारी है पड़रा के, उनका बेटा शांत हो गया, दूसरा बेटा भर्ती था, वो दवाई के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर भी पुलिस ने डंडे से प्रहार किया और आप सबने उसे देखा भी और छापा भी। परशुराम आश्रम तोड़ा गया और फिर बाद में संकादिक महाराज जी से माफी मांगी गई। ईद का दिन था और परशुराम जयंती थी, दो महत्वपूर्ण त्यौहार हिंदू मुस्लिम एकता के। उस दिन धर्म गुरुओं हाफिज और मौलियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, परशुराम के अनुयायी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज, हमारे मुस्लिम धर्म के हमारे धर्म गुरु हैं मौलवी हाफिज उनके ऊपर मुकदमा दर्ज। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यह लॉकडाउन का उल्लंघन है, लॉकडाउन का उल्लंघन है तो आपने मुकदमा दर्ज किया स्वागत योग्य है, लेकिन धर्म गुरुओं ने उल्लंघन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो निरीक्षण कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो 5 तारीख को बंगाल में उनके कार्यकर्ता मर गए, मध्य प्रदेश में धरना हुआ, जवा में हुआ, मऊगंज में हुआ, रीवा में हुआ और आप सबने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने छापा भी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? यह दोहरा चरित्र है। मैंने पहले 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा और ये 15 महीने का शासन देखा, रीवा के कलेक्टर और SP सत्ता पक्ष के गुलाम है, सत्ता पक्ष के चाटुकारों की तरह पीछे घूमते हैं। ये क्या व्यवस्था बनाएंगे? जो एक आंख से नहीं देखना चाहिए, दोनों खुली आंखों से सबको आम बराबर की नजरों से देखना चाहिए। रीवा में रेमडेसिविर का इंजेक्शन नकली आया है, अब प्रशासनिक अधिकारी और सत्ता पक्ष के इशारे पे रीवा के अंदर बिका, इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि वह लड़का कहीं ना कहीं रीवा का था। जबलपुर इंजेक्शन आ गया, इंदौर आ गया, रीवा में भी आया है, इसकी जांच कराएं तो रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाएगा। आप कोरेक्स में कार्रवाई करते हो और दारू वालों को छूट देते हो, ये किसके इशारे पे दारू वालों को छूट दिया? SP साहब ने, SP साहब का रिकॉर्ड उठा लीजिए, एक भी दारू वाले खिलाफ कार्रवाई नहीं है, एक भी कार्रवाई इनकी नहीं है, किसके संरक्षण में? आप कहते हो हमने 10 लाख का जुर्माना वसूला, स्वागत है आपका, आपने जो लोग मर रहे हैं उनकी और पेट में लात मार के उनसे वसूली की, लेकिन उसके अलावा 10 लाख तो रसीदी हो गई, 10 लाख के ऊपर की वसूली, रीवा से 1 करोड़ की वसूली पुलिस प्रशासन कर रहा है, किसको पैसा दे रहा है? विकास पुरुष के पास जा रहा है कि मामा के पास जा रहा है? यह जांच का विषय है। मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को कि जो इन्होंने पुराना ऑक्सीजन प्लांट जो रखा हुआ था, पिछले साल भी कोरोना काल में दबा रह गया और इस साल भी दबा रहा, ऑक्सीजन की हाहाकार हुई, 48 घंटे के अंदर एक हफ्ते के अंदर नया प्लांट लगा दिया गया, लेकिन कुआं बगल में था, पानी बगल में था, वो ऑक्सीजन प्लांट नहीं दिखाई दिया। वो विकास पुरुष कहाँ है? वो विकास पुरुष को वो प्लांट क्यों नहीं दिखा? कलेक्टर को वो प्लांट क्यों नहीं दिखा? ये कहीं ना कहीं विकास पुरुष की और कलेक्टर की अक्षमता है। लॉकडाउन का उल्लंघन कीजिए, न्याय सबके लिए बराबर है, चाहे वो सत्ता दल के लोग हों चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, मुकदमा सब पे दर्ज कीजिए। रीवा में आज कांग्रेस ने थाने और इसके ऑफिस का घेराव किया है, क्या मांग? हमारी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी खिलाफ के नेताओं के खिलाफ FIR कर दीजिए। आपने जो व्यापारियों के खिलाफ किया, आम जनमानस के खिलाफ किया, लाठी और डंडे से पीटा आपने आम जनमानस को, हमने सब सह लिया,
आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो हम सहने वाले नहीं। आज हम 3 लोगों के साथ पूरे जिले के अंदर, पूरे थानों के अंदर कांग्रेस पार्टी के आह्वान में हम सब बैठे हैं। आने वाले समय में हम 200 के लोगों के साथ थाने के अंदर बैठेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। FIR होनी चाहिए लॉकडाउन को जो भी उल्लंघन करे, लेकिन विपक्ष के ऊपर होगी, व्यापारी के ऊपर होगी, आम जनता के ऊपर होगी, पत्रकार के ऊपर होगी, भाजपा के ऊपर। भाजपा को मिठाई और जनता की पिटाई। आपने कुछ समय दिया है पुलिस अधीक्षक को? हमने पुलिस अधीक्षक को लगातार आग्रह कर रहे हैं कि मुकदमा वापस लो, सबका मुकदमा, नहीं तो जेल भेजना है तो जुरंग भेज लो। नहीं, भाजपाइयों पर FIR दर्ज कराने के लिए क्या समय दिया है? SP साहब के पास तो चूड़ी भिजवाने का मन है, इसलिए कि जब 5 तारीख के धरने का आह्वान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने किया, तब इन्होंने 144 के उल्लंघन का लेटर पूरी रातों रात थानों में क्यों नहीं भेजा? ये 144 के उल्लंघन का लेटर कल रात को 10 बजे सभी थानों में पुलिस अधीक्षक ने भेजा है कि कांग्रेस पार्टी धरना कर रही है आम जन के हित में, व्यापारियों के हित में, मौलवियों के हित में। तो ये लेटर प्रशासनिक अधिकारियों ने 4 तारीख की रात को SP साहब ने क्यों नहीं भेजा? तब तो भारतीय जनता पार्टी का आह्वान था धरने का, मऊगंज में हुआ, जवा में हुआ, सिमरिया में हुआ, कौन सी ऐसी विधानसभा जहां है जहां 200 से कम अधिक लोग धरना न दिए हों भारतीय जनता पार्टी के? तब आपने पुलिस अधीक्षक ने यह लेटर दादागिरी की तरह क्यों नहीं जारी किया? सिर्फ इसलिए कि कुर्सी चली जाएगी।